लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश अंबानी ने देश को दिया ये बड़ा तोहफा, अब सबको मुफ्त में मिलेगी ये सेवा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपनी शुरुआत वर्ष 2016 में टेलीकॉम सेक्टर से की थी। इस सेक्टर से मिली बड़ी कामयाबी के बाद कंपनी ने फीचर फोन और ब्रॉडबैंड सेवा में भी कदम रखा है। कंपनी अपना दायरा बढ़ाते ही जा रही है। अब कंपनी ने मोबाइल यूजर्स के लिए अपना नया प्लेटफॉर्म जियो न्यूज ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों ही यूजर्स के लिए है। कंपनी के माने तो जियो न्यूज ऐप 12 भारतीय भाषाओं का समर्थन करेंगे। इनमें बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू भाषा शामिल है। इसके अलावा ऐप पर 150 से ज्यादा लाइव चैनल भी दिखाए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से अंबानी ने यह फैसला लिया है और आप इस ऐप का इस्तेमाल सभी जियो यूजर्स कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जो जियो के यूजर नहीं है वो भी लॉग इन करके इसकी सेवा ले सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहती हैं। धन्यवाद।